विपक्षी एकता की बैठक के बाद सियासी दलों की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। बीजेपी के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी रोजपा रामविलास ने विपक्षी एकता की बैठक के बाद शनिवार को कहा कि विपक्षी एकता की हवा निकल गई, बैठक टाई फिस हो गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि अपने अपने स्वार्थ के लिए सभी का जुटान हुआ था, केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ माहौल बनाने आए थे। कई पार्टियां यह चाहती हैं कि कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़े। महागठबंधन फेल हो गया, विपक्ष के कई चेहरे नहीं आए। मायावती, नवीन पटनायक, जगमोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव जैसे कई नेता नदारद थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने मुहिम में सफल नहीं रहे, बिहार के गरीबों का पैसा बर्बाद किया गया, अभी किसान बदहाल स्थिति में है। नीतीश कुमार अगर संयोजक बनाए गए तो इसकी घोषणा क्यों नहीं की गई? नीतीश कुमार की छवि इस तरह से बिगड़ी हुई है कि कोई उन पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा। कांग्रेस, आरजेडी सबको वे धोखा दे चुके हैं। सभी पार्टियां डर रही हैं कहीं ये भाजपा की गोद में जाकर नहीं बैठ जाए। राजू तिवारी ने कहा कि शिमला की बैठक में देखिएगा, कई नेता गायब हो जाएंगे। उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट पर कहा कि यह सीट शुरू से ही रामविलास पासवान की सीट रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। इसलिए इस पर लोजपा रामविलास की दावेदारी बनती है। एनडीए से सीट शेयरिंग को लेकर सम्मानजनक समझौता होता है तो देखा जाएगा राजनीति में कब कौन किसके साथ, कोई नहीं जानता। बता दें कि हाजीपुर से पशुपति पारस सांसद हैं। विपक्षी एकता की बैठक के बाद सियासी दलों का पारा चढ़ा हुआ है। सियासी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने विपक्षी एकता की बैठक के बाद शनिवार को कहा कि विपक्षी एकता की हवा निकल गई है, बैठक टाई फिस हो गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए सभी का जुटान हुआ था, केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ माहौल बनाने आए थे, कई पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव न लड़े। महागठबंधन फेल हो गया, विपक्ष के कई चेहरे नहीं आए। मायावती, नवीन पटनायक, जगमोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव आदि कई चेहरे नदारद थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।